हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, नेपाल सीरीज़ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ पोखरा में और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से काठमांडू की ओर। तो हमारा जो होटल था वो था लेक साइड, तो लेक साइड से हमने लोकल बस ली यहाँ की और पहुँच गए हैं यहाँ बस पार्क। तो ये यहाँ से पोखरा का जो बस पार्क है, यहाँ से काठमांडू के लिए बस मिल जाएगी। अभी यहीं पर कहीं पर है, एक मज़े की बात बताऊँ, इंडिया में कुछ साल पहले इस तरीके के खंभे देखने को मिलते थे। अभी देखो यहाँ पे इंडिया में तो एकल खंभा हो गया, मतलब कि तार है और खंभे पे इतना जाल नहीं रहता। यहाँ पर देखो कितना लंबा लंबा जाल है, एक एक खंभा ऐसा फंसा हुआ है बुरी तरीके से, वाई वाला लग रहा है सारा। उस वाले खंभे पे देखो कितना जाल बना हुआ है। बताता हूँ आपको, यहाँ पर जो भी क्रॉसिंग्स होती है ट्रैफिक की चौराहे वगैरह पे, तो वहाँ पे कोई बत्ती वगैरह नहीं है। पुलिस, एक पुलिस वाला खड़ा रहता है, वही ट्रैफिक को रोकता है, भाई इधर वाले जाओ, लेफ्ट वाले इधर जाओ, राइट वाले फिर इधर जाओ, ऐसे कर करके। कहीं पर भी यहाँ पर आपको रेड लाइट, ग्रीन लाइट या येलो लाइट देखने को नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ये देखो जैसे कि एक चौराहा है वो, तो वहाँ पर कोई भी नहीं है, ट्रैफिक लाइट बिल्कुल भी नहीं है, बीच में एक पुलिस वाला खड़ा होगा बस। यहाँ पे तो पुलिस वाला भी नहीं है, फिर इसको ऐसे ही किया हुआ है। ये यह है यहाँ का बस पार्क, पता नहीं कैसी बस मिलेगी, अच्छी बस मिल जाए बस, ताकि सोते सोते चले जाएं काठमांडू तक। तो यार हम लोगों ने बस ले ली, 550 रुपये पर कैंडिडेट काठमांडू तक पहुंचा देगी। और यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि कोई भी बस यहाँ से, बस इस वाले बस स्टैंड से, तो जो यहाँ का मेन बस स्टैंड है, काठमांडू सीधा नहीं पहुँचाएगी, मतलब 5-6 घंटे में नहीं पहुँचाएगी, सुबह 5 बजे पहुँचाएगी, रास्ते में ये रुक जाएगी। ये वाली बस है जो मैंने ली है, ये देखो आगे से ये ऐसी है। टिकट काउंटर उधर है साइड में, यहाँ पर कुछ दुकानें वगैरह हैं, आप कुछ खा सकते हो। हमने भी कुछ खाया थोड़ा सा, नेपाली ब्रेड और एक ये नारंगी सी लिए, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको यार, नाम तो पता नहीं है क्या बोलते हैं, संतरे। तो अब रास्ते में मुलाकात करते हैं, बताते हैं रास्ता कैसा क्या रहता है यार, बीच में सुलाएंगे ये बीच में। तो यार काठमांडू बस स्टॉप पे हम लोग उतर गए, और उतरते ही हमने यहाँ पर सबसे पहले होटल बुक कर लिया। तो यहीं पास में ही हमको एक होटल मिल गया है $12 में, अभी वो आसपास ही यहीं पे कहीं है, तो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा पैसा ज़्यादा ले ले हमसे और हमको अभी ही रुका ले, अभी बज रहे हैं 5, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर यार, बस ने इतने गलत टाइम पे उतारा है हमको यहाँ पर। कोशिश तो यही है कि मिल जाए बस होटल। तो यार होटल हमने ले लिया है, जो होटल हमने बुक किया था अलाइट होटल उसका नाम था booking.com से, वो तो हमको मिला नहीं, उनके शटर को बजाया था हमने अर्ली बुकिंग के लिए, तो वो अंदर से आवाज़ देके बोले भाई ऑल रूम्स बुकड है, तो मतलब कि 12 बजे से पहले हमको रूम मिलेगा नहीं, इधर उधर डोलना पड़ेगा। तो फिर उसके बाजू में और होटल था जो शायद बुक लिस्टेड भी नहीं है booking.com पे, तो हमने वहीं पे पूछताछ करी, तो उनके पास थे 2 रूम खाली, तो दोनों देखे हमने, तो ये दूसरा वाला ये ठीक लगा, 1000 नेपाली रुपए में ये हमको मिल गया है। तो यार नहा धो के, तो हेलो दोस्तों, काठमांडू की गलियों में आपका स्वागत है। नहा लिए धो लिए, सुबह हमने ले लिया था होटल, कितने का, 1000 रुपये का पड़ा है हमको, और आज रात को ही छोड़ना पड़ेगा शायद। अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूटी रेंट लेने, देखते हैं कहाँ पे मिलती है, वैसे मैप में लगवाया है एक से, तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर एक जगह है, वहाँ पे मिल जाती है रोड स्कूटियाँ वगैरह, देखते हैं मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाय ट्रांसपोर्ट घूमना पड़ेगा। स्कूटी मिल जाएगी तो ऐसा रहेगा यार कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट से तो इंतज़ार करना पड़ता है, बसें रुकती रुकती जाती है, जहाँ पर 10 मिनट का रास्ता होता है वहीं 1/2 घंटे में पहुँचाती है बस। बताते हैं आपको स्कूटी कितने रुपये में मिलेगी और मिलती है या नहीं मिलती है। वैसे आज इस वीडियो में हम काठमांडू को पूरा कवर करेंगे,
इंक्लूडिंग चाइना मार्केट भी। ये देखा यार एक मंदिर के जैसी संरचना, पहले तो मुझे लगा बावड़ी है ये, अपने राजस्थान में बावड़ियाँ होती है ऐसी गहराई में, यहाँ मंदिर है बीच में, मंदिरों के बगल में लोग नहा भी रहे हैं, खतरनाक ही सिस्टम है इधर तो। तो यार हमने स्कूटी ले लिया है ड्यू, ये वाला, ये कंडीशन है इसकी और 800 रुपये में दिया है बड़ी मुश्किल से, यही वाला है ना? हाँ यही है। यहाँ पे देते नहीं है स्कूटी को, फॉरेनर्स का पासपोर्ट मांगते हैं तब जाके देते हैं, अब पासपोर्ट में लेके आया नहीं था साथ में, इनका नेपाली तो जा रहे हैं तो आधार कार्ड से काम चल जाएगा, लेकिन बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद आधार कार्ड, राजेंद्र का जॉब वाला कार्ड लगाया तब जाके बड़ी मुश्किल से दिया इन्होंने, चलो मिल गया, अब जल्दी जल्दी विजिट हो जाएगा। तो अगर आप भी नेपाल आओगे और आपको ऐसा चाहिए स्कूटी तो पासपोर्ट ज़रूर लेके आना, बिना पासपोर्ट के पार नहीं पड़ेगी, इधर पापल बेलने पड़ेंगे। यार स्कूटी लेके डोल रहे हैं अब नेपाल में, मिल गई स्कूटी, बिना पासपोर्ट के तो मिलना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया उस बंदे को तब जाके उसने दी है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है स्कूटी का या बाइक का, तो लोग क्या है कि छोड़ के चले जाते हैं, अपनी आईडी दूसरी बन जाती है, लेकिन पासपोर्ट छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कोई भी नहीं छोड़ सकता पासपोर्ट को, इसलिए ये पासपोर्ट ही रखते हैं भले इंडियन ही हो। हमने लेके नहीं आया पासपोर्ट यार, लेकिन फिर भी देखो मोटो व्लॉगिंग हो रही है नेपाल में बिना बाइक के। तो यार हमने पेट्रोल तो डलवा लिया इसके अंदर, अब गूगल मैप में देखते हैं जल्दी से कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी नज़दीक है, उनको पहले नज़दीक वाले कवर करते हैं, या रास्ते में जो जो पड़ती है एक बार रोड में बना लेते हैं जल्दी से बैठ के, लास्ट में रखेंगे चाइना मार्केट को, सबसे पहले जो घूमने की चीज़ें ना वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो यार फिलहाल हम लोग आ गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर, ये परिसर है, यहाँ पर पार्किंग वगैरह लगी हुई है गाड़ियाँ, कुछ फूलों की दुकानें हैं, सामने ये टेम्पल है, लगा दिया लो, यही वाली है ना, ये वाली शॉप के सामने है। तो यार हम लोग आ गए पशुपतिनाथ मंदिर, जो यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है और पूरी दुनिया में भी अपने आप में एक अलग ही चीज़ है, ये बहुत सारे कबूतर हैं यहाँ पर और यहाँ की कलाकृति कुछ अलग ही है, लकड़ियों के बने हुए हैं। तो यार अंदर हम जाके आ गए हैं मंदिर के अंदर, अंदर कैमरा मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं होता है, मंदिर बहुत ही शानदार है यार, क्या बताऊँ आपको, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते इतना है, और एक जगह तो ऐसी है जहाँ पर इतने सारे शिवलिंग हैं, लगभग ये मान लो तुम 1500 शिवलिंग तो होंगे होंगे, अंदर पूरा चांदी से बना हुआ मंदिर है, और क्या आर्किटेक्ट है यार,
बहुत पुराना मंदिर है। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये 400 ईसा पूर्व के पहले का है, मतलब जब जो ये ब्रिटिश कैलेंडर अपना अंग्रेजों वाला कैलेंडर स्टार्ट हुआ था जिसको अपन फॉलो करते हैं, इससे भी 400 साल पहले ऐसा बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता है। अभी लास्ट 19 मैं बताता हूँ आपको यार, 1979 में इसको यूनेस्को ने हेरिटेज में शामिल कर लिया है। इसके अलावा ये जितने भी यहाँ पर हैं इनमें से दो टेंपल है वो मैंने, बाकी रिक्रिएट किए गए हैं दोबारा से 16वीं सत्रहवीं शताब्दी में यहाँ के जो राजा वगैरह थे उनके द्वारा ऐसा है। तो यहाँ पे अगर इसको आप देखना चाहते हो ना तो यहाँ पे आके देखो, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार मंदिर है। हाँ, एक और लाइन वहाँ पे लिखी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल और कैमराज अलाउड नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदुओं के अलावा और कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। तो अगर आप हिंदू नहीं हैं, हिंदू धर्म से नहीं है, तो आप अंदर नहीं जा सकते दर्शन करने। हाँ, आप हिंदू की तरह बन के ज़रूर जा सकते हैं। तो यार दर्शन तो हम लोगों ने कर लिए, अब जूते पहन रहे हैं। यहाँ पे हमने जूते छोड़ दिए थे जहाँ से हमने प्रसाद लिया था। बहुत ही बेहतरीन मंदिर है यार, ऐसा मंदिर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। बहुत पुराना मंदिर है पशुपतिनाथ का। मैं आपको मतलब बता दूँ, प्राचीन काल में पशुपतिनाथ शंकर भगवान को ही बोलते थे, क्योंकि ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी पशुपतिनाथ की मूर्ति या जो भी ऐसा शब्द है ना, वहाँ पर शिवलिंग ज़रूर होते हैं। तो उसी से ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि शंकर भगवान ही पशुपतिनाथ थे। इसके अलावा इसके अंदर और भी टेम्पल है, ऐसे तो विष्णु भगवान का है, राम का है, सबका है। नहीं नहीं, अभी यार पशुपतिनाथ मंदिर के तो हमने दर्शन कर लिए, अब वापस स्कूटी के पास आ गए हैं और अब यहाँ से हम जा रहे हैं भगतपुर। यहाँ पर जो पुराना नेपाल है, नेपाली कल्चर, वो देखने को मिलेगा। यार फिलहाल हम लोग आ गए हैं भगतपुर। भगतपुर है अपने पशुपतिनाथ मंदिर से 15 किलोमीटर दूर, 30 मिनट का रास्ता है, थोड़ा ट्रैफिक जाम वगैरह मिलता है, लेकिन वर्थ इट है। यहाँ पे आके आपको देखने को मिलेगा नेपाल का कल्चर, जो कि मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा सिनेमेटिक रूप में। देखो यार, यहाँ पे ये जो आपको मंदिर दिख रहा है गोल्डन कलर का, तो कोई फेस्टिवल या कोई रीति रिवाज था इनका, तो बकरे की बलि दी थी, प्लेट थी वो, उसके अंदर उसकी सर मुंडी रखी हुई थी। हम थोड़ा सा लेट हो गए, बलि की प्रक्रिया देख नहीं पाए किस तरीके से ये चढ़ावा देते हैं अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए, लेकिन नाच रहे थे और वो कुछ बजा रहे थे, वो हमने देखा। तो यार ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पुराना दिल्ली या पुरानी जयपुर में घर होते हैं, वहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं, यहाँ पर भी लोग अभी भी रहते हैं। ये पुराना नेपाल है, ये देखो एक ये वाला जो है इसको कैफ़े बना दिया, इधर इन घरों में लोग रह रहे हैं अभी भी।
एक ये है, अब ये मंदिर है या किसी राजा का घर ये पता नहीं चल पा रहा, संभावना ज़्यादा है किसी मंदिर के होने की। और एक मंदिर ये है, इधर देखो ये भी मंदिर है, ऊपर तक देखो, इसका तो बिल्कुल वैसा लग रहा है किसी चाइनीज़ स्ट्रक्चर की तरह, चाइनीज़ मूवीज़ में बिल्कुल मूवीज़ में ऐसा ही दिखाते हैं कुछ। काफ़ी सही जगह है ये, मस्ट विजिट पैलेस है ये भी, अगर आप नेपाल आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना भाई, देखने को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर, मज़ा आ जाएगा देख के। तो यार वैसे देखा जाए तो भगतपुर है तो बहुत बड़ा, लेकिन हमने थोड़ा विज़िट कर लिया, अब बाकी और भी नेपाल का बहुत सारा हिस्सा है जो बचा हुआ है, अगर इसको घूमने गए तो शाम हो जाएगी इसी के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है। जो मेन चौक था, प्रांगण, वो यही था जहाँ पे अभी हम गए थे, वहाँ पे बड़े वाहन निषेध है, केवल बाइक्स जा सकती है और पैदल यात्री जा सकते हैं। अभी चलते हैं दूसरी जगह पे, अब देखना पड़ेगा कहाँ पे जाना है। तो यार यहाँ से ली थी हमने बाइक, मतलब स्कूटी जो ये है, हमने दे दी है वापस इनको, और अब फिर से पैदल पैदल हम जा रहे हैं हमारे होटल की ओर, होटल से जल्दी से पैक करना है सामान। तो यार इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर बस स्टॉप पे, हमने बस का पता कर लिया, कितने बजे बस जानी है, कितने रुपए लगने हैं, सब कुछ पता कर लिया है। गाने बंद कर देता हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा। बैग पैक हो चुके हैं दोनों, गोरखपुर से सुबह हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए, दिल्ली से फिर हम जयपुर चले जाएंगे, राजेंद्र कोटा चला जाएगा। तो बस आज जो अपना काठमांडू का टूर था वो इस वीडियो के साथ ख़त्म हो गया है। अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा काठमांडू टू जयपुर, यानी कि इंडिया का सफ़र वाया सनोली बॉर्डर, कैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं और आगे क्या प्रोसेस है, सारा अगली वीडियो में देखने को आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो देखना तो अगली वीडियो भी देख सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा लेना। बाय बाय। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा या फिर स्क्रीन पर भी है।